Hey, hello guys, to the 2. इस गेम का एक और नया अपडेट रिलीज हुआ है एंड इस बार गाइड इन्होंने काफी सारी नई चीजें गेम के अंदर अपडेट करी है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑयल रेग का कुछ सीन लग रहा है मुझे और एक एयरपोर्ट भी इन्होंने लॉन्च करा है तो इन चीजों को आज के एपिसोड में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कौन से कौन से नए अपडेट्स आए हैं एंड मैप के अंदर यहाँ पे भी एक और ऑयल रिग है काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो एक काम करते हैं uh, सबसे पहले आपको एक बार मैं अपना दुकान दिखा देता हूँ बहुत मतलब बहुत दिन हो यार हमने ये वाला गेम खेला नहीं है सो so, ये अपना कुछ ऐसा दुकान दिखता है यहाँ पे हम लोग काफी सारी चीज़ें है बेचते हैं अपने पास दो okay. मैनेजर्स हैं एंड ये तो सारे अपने ही लड़के हैं मतलब अपने ही बच्चों को मैंने अभी यहाँ पे काम पे लगाया है और अपने पास आई थिंक एक जी थी या लैम्बो है ये uh, कौन सी है रे ये तो उर्स है और मेरे पेट्स कहाँ पे गए बोका कहाँ पे गया ये रही गेमर्स अपनी माओ माओ इसको आई थिंक थोड़ी सी भूख लगी है तो एक काम करते हैं थोड़ा सा ना इसको गेमर्स सबसे पहले खाना खिलाते हैं इसके लिए कुछ खाने का है यहाँ पर हाँ ये यहाँ पे है ये इसको यूज़ कर लेते हैं हाँ ये कैन फिश आएगी यहाँ से तो ये मैंने अपना कैन फिश उठा लिया इसको उठा के निकल लेते और अपने बल्ले को खिला देते हैं भाई ये वन ऑफ द बेस्ट गेम है जो भी मैंने गेम्स खेले ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है और अभी भी वैसे स्नो का सीजन गया नहीं है पता नहीं ये स्नो का सीजन कब जाएगा इसको खिलाते हैं ए टू फेड ये मैंने गाइज मामा को खाना यहाँ पे खिला दिया और अपना एक डॉग भी था पता नहीं वो कहाँ पे ओके ये रहा डॉगो डॉग या नाम दिया था मैंने इसको बट ठीक है अभी के लिए सबसे पहले अपनी जामबर्गनी उरूस लेते और निकल लेते उस लोकेशन के लिए सबसे पहले मैं मैप के अंदर वो मार्क कर देता हूँ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पर जाएंगे वैसे पास में ही होगा ये इसी डायरेक्शन में गाइज कहीं पर अपना एयरपोर्ट है कहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा ओ वेट वो रहा क्या आई थिंक वो है ओके गाइस 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 ये देखो आई थिंक हम यहाँ पे आके इसको अपग्रेड करने का है तो एक काम करते हैं गाड़ी को यहाँ पे मैं पार्क कर देता हूँ ऑन और जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं तो ये हम लोग गाड़ी से उतर गए और अभी देखते हैं इसको अपग्रेड करने के लिए कितना पैसा चाहिए हैमर चाहिए अपग्रेड अपग्रेडेशन के लिए हैमर मेरे पास है नौ हज़ार पचास वजह से मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास चौदह हज़ार डॉलर्स है बट uh, इसको अपग्रेड करें या गाइज अपना वो ऑयल रिक को अपग्रेड करें आई एम सो कन्फ्यूज एक काम करते हैं सबसे पहले एयरपोर्ट तो देख लिया या गाइज़ ठीक है एयरपोर्ट कोई करते हैं ऑयल ट्रिप का बाद में देखा जाएगा ठीक है आई एम सो एक्साइटेड वन टू थ्री लेट्स गो बट ए ये क्या है ये एयरपोर्ट है हैंगर पे प्लेन्स आएंगे बट प्लेन्स कैसे आएंगे और क्यों आएंगे मेरे को कैसे पता चलेगा यहाँ पे आई थिंक लोग ऑटोमेटिकली अपने एयरोप्लेन से यहाँ पे लेके आएंगे अभी तक तो वैसे कोई आया नहीं है और मे बी यहाँ पे मेरे को भाड़ा मिलेगा इसका मुझे आई थिंक ये अपने टैबलेट एक बार ना टैबलेट देख लेता हूँ मैं आई थिंक मैं टैबलेट से इसको मैनेज कर सकता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ का कौन सा टैब में स्टेशन में बिल स्टॉक प्राइजेस वर्कर्स कहाँ पे पता चलेगा इस एयरपोर्ट के बारे में रेटिंग्स मुझे लग रहा है ना यहाँ पे ओनली लोग ना मतलब पार्क करेंगे अपने प्लेन को ऐसा ही सीन लग रहा है मुझे आई आई एम सो कंफ्यूज एयरपोर्ट का जो हैंगर है इसको तो कहीं मैं समझिए हमने अपग्रेड तो कर दिया है बट एक भी मुझे एरोप्लेन वगैरह दिखाई नहीं दे रहा मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे काम करता है बट एक काम करते हैं इसको अपग्रेड कर लिया अभी यहाँ से निकल लेते हैं अपना वेल के लिए ऑयल की जो वेल है वहाँ पर निकल लेते हैं वो आई थिंक पास में ही होगा मैप में तो दिखाई नहीं दे रहा और सामने की तरफ एक सिटी है वेल एक बार मैप में देख लेते हैं मैं और ये तो यहाँ पे ओके इसी के साइड में है फिर ओके पीछे की तरफ है यहीं पे कहीं पे अपना गाइज ऑयल रिग भी है ओ ये रही आई थिंक और मुझे लग रहा है हम लोग ना ऑयल वगैरह बेचेंगे तो इस मैप में टोटल दो ऑयल रिग्स हैं तो हम लोग आ गए ऑयल रिग के पास और इसको भी मैं अपग्रेड कर देता हूँ अपना हैमर निकाल के तो ये आ गया है हैमर दो दो हज़ार ओके दो या बीस हज़ार है ये अरे बीस हज़ार है ये बहुत ज़्यादा यार शूट तो गाइज इसको अपग्रेड करने के लिए बीस हज़ार डॉलर चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है तो अभी हमको ना पैसे कमाने पड़ेंगे और तभी जाके कर हमें इस ऑयल रिग को अपग्रेड कर सकता हूँ तो ठीक है अभी ना मुझे अपने शॉप में वापस जाके थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बट अभी मुझे पता चल चुका है ये ऑयल ट्रिक और अपना एयरपोर्ट का जो लंगर है हैंगर जो भी बोलते हैं वो पास पास में ही है और अभी वापस जा देखते हैं कोई प्लेन आया है क्या यार यहाँ पे प्लेन कैसे आएगा मेरे को ना थोड़ा सा इसके बारे में और रिसर्च करना पड़ेगा या इसको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है अगर मैं अपना हैमर निकाल के वापस मैं आई थिंक कर सकता हूँ लेट्स सी होगा तीस हज़ार में अपग्रेड होगा आई थिंक इसका साइज वगैरह बढ़ेगा पता नहीं क्या सीन है बट ठीक है जो अपग्रेड था जो भी बढ़िया वाला अपग्रेड था वो हमने कर दिया और अभी यहाँ से वापस निकल लेते अपने दुकान के लिए और वहाँ पर जाके हम लोग अपना दुकान का थोड़ा सा काम काज देखेंगे क्योंकि हमको भी पैसे कमाने और यही यही पैसे कमा के हम लोग अपना एयरपोर्ट को वापस अपग्रेड करेंगे और इस बार यार व्हीकल्स भी नहीं आ रही है क्या एक बार मैं देख लेता हूँ ओ शूट सॉरी सॉरी वो थोड़ा सा गलती से हो गया भाई ये कह है भाई ये तो साइबर ट्रक है भाई इन्होंने नई व्हीकल्स पे और एड ऑन करी है आई आई जस्ट लव दिस स्कीम तो एक काम करते हैं अपनी लैम्बर के नई को यहाँ पे पार्क कर देता तो हूँ मैं बहुत बढ़िया ये पार्क कर दिया और ये अपना चिंटू है चिंटू यहाँ पे आई थिंक बिल्डिंग का काम करता है या uh, yeah, ये बिल्डर ही है इधर काम और लास्ट टाइम यहाँ पे यार इतने बॉक्सेस पड़े अभी एक काम करते हैं मैं ये रखवा देता हूँ ये तो भाई कुछ काम का नहीं है ओके uh, okay, ये पेंटिंग्स वगैरह ऑर्डर करिए तो एक काम करते हैं ख़ुद ही लगा देते हैं यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स रहेंगी एक यहाँ पे अच्छा लगना चाहिए लोगों को ठीक है एक यहाँ पे और एक रहेगी यहाँ पे और वैसे काफ़ी और पेंटिंग्स है दुकान के अंदर लगा देते हैं शॉप के अंदर कुछ यहाँ पे रहनी चाहिए कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे रहेंगी हम्म और अलग अलग पेंटिंग्स है वैसे ये एक यहाँ पे रहेगी एंड इन पेंटिंग्स को वैसे मैं गाइस चेंज भी कर सकता हूँ अपने हैमर की मदद से तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पेंटिंग्स को फिट करवा देता हूँ जस्ट लाइक दिस और आखिरी पेंटिंग लगेगी यहाँ हम्म तो मेरे पेंटिंग्स लगा दी एंड उसके बाद अगर मुझे पेंटिंग चेंज करनी है तो मैं हैमर की मदद से इसको चेंज कर सकता हूँ जस्ट लुक एट दिस ये बहुत कूल है और इस बार आई थिंक इन्होंने चेंज भी काफ़ी सारे करे तो ये अच्छा लग रहा है दिखने में और एक पेंटिंग मैंने गलती से नीचे लगा दी थी इसको यहाँ से हैमर करके निकाल लेते हैं और इसको उठा के मैं वापस लगा देता हूँ दीवार पर यहाँ पे, पे रहेगी ठीक है और अभी हैमर निकाल के मैं इनको अपग्रेडेड चेंज भी कर देता हूँ इसका यहाँ पे ये कलरफुल वाला बढ़िया लगता है ना अभी क्या मस्त लग रहा है ना दुकान वैसे लोग खुश भी लग रहे हैं मुझे एवरीथिंग इज लुकिंग नाइस एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और क्या क्या नहीं कौन सी कौन सी गाड़ियाँ आई है साइबर ट्रक भाई कितना बढ़िया लग रहा है ना आई जस्ट आई जस्ट लव दिस गेम यार ऐसा लाल साइबर ट्रक बहुत बढ़िया लगेगा क्या मैं बाय कर सकता हूँ साइबर ट्रक अगर मैप में हम लोग देखेंगे तो डीलरशिप में आई थिंक आया ही होगा और गाइज वैसे भी ना एक और चीज़ मुझे अपने घर पे भी जाना है और वैसे घर के पास में भी गाइज एक और ऑयल रिग है मुझे लग रहा है ना ये ऑयल रिग से हमको बहुत सारा गेमर्स फायदा होने वाला है एक और वैसे भी अभी लगभग सोलह बजने वाले तो मैं अपने ना घर पर जाने वाला हूँ घर पर जाके यार अपने बच्चों से मिलते हैं आपको याद होगा मेरे एक बीबी भी है और बच्चे भी है और वैसे ये जो अपना राय में यहाँ पर काम कर रहा है स्टॉक्स को रिफिल वगैरह कर रहा है तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अपना ए मशीन बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और अपना एक फार्मर था ना लास्ट एपिसोड में कहाँ पे गया वो फार्मर हाँ ये ये रहा ये रहा भाई कैसा है तो क्या कर रहा है ये यहाँ पे नींबू निचोड़ के यहाँ पे ये बनाता है सोडा बनाता है आई I मीन mean, क्या बोलते हैं उसको लेमोनेड बनाता है आ, देखो कुछ इस तरीके से आ, ये लॉक्ड अरे लॉक क्या होता है ये मुझे इसको लॉक नहीं करना इसको ओपन ही रखो ओके okay, इसको मैंने लास्ट टाइम डेकोरेट करा था एंड यहाँ पर हम लोग अभी ये प्लांट बनाते हैं ये कैनिबल प्लांट इसको पानी देने के बाद इससे कुछ ना कुछ तो बनता होगा इसकी वजह से नाइन्टी टू परसेंट ग्रोथ हो गई है मैं थोड़ा सा पानी दे के देखूँ गाइज कि सारा पानी दे दो ओके हंड्रेड परसेंट पानी आ गया इससे भी आई थिंक कुछ ना कुछ बनता होगा मुझे वैसे पता नहीं है एक्चुअल में इससे बनता क्या है क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए मैंने ये गेम खेला था और अभी अपना फार्मर देखो को यहाँ पर पानी भी दे रहा है बहुत अजीब है अब अब इसके ऊपर मैं पानी मारता दो तो ये एड भाई ये पहले नहीं था दिस इज सो कूल भाई सीरियसली गेम को उन्होंने काफ़ी इंप्रूव कराया आई जस्ट लव दिस गेम तो भाई काम करते हैं यहाँ से गेम उसमें निकल लेता हूँ अपने घर के लिए वैसे मैं बस में ही जाऊँगा ठीक है यहाँ पे अपने अपने सारे एम्प्लॉयज़ काम वगैरह कर रहे हैं पैसे मेरे को बार बार मिलते रहेंगे मेरे पास वापस से तेरह हज़ार डॉलर आ गए तो मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ बाजार में चलते हैं क्योंकि वहाँ से जाके ना मैं फ्लावर्स अपने बीवी के लिए कुछ लेना चाहूँगा ठीक है इस बार काफ़ी टाइम लग रहा है घर पर जाने में घर पर आ गए ओके अरे घर नहीं एक सेकंड मैं कहाँ पे आ गया अरे यार अंधेरा हो गया आई थिंक अभी बाज़ार बंद हो गया होगा मुझे बाज़ार में जाना था मेरी गलती से आई थिंक क्लब में आ गया प्लीज़ ओपन होना चाहिए बाज़ार मैं कुछ फ्लावर्स लेना चाहता हूँ अपने बीवी के लिए बंद हो गया अरे शूट मैं थोड़ा सा लेट आ गया भाई ठीक है कोई सीधा घर पर निकल लेते हैं और घर पर जाके मैं अपने बच्चों से मिलूँगा बहुत दिनों बाद और कोई ना कोई उसमें से बच्चा एक और हो जाएगा तो यू नो हम उसको बड़ा करके उसको अपने दुकान में लेके जाएंगे काम करने के लिए मैं घर आ गया और हाँ अगर यार बाजार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे थोड़े से कैंडीज वगैरह पड़े यार मेरा बेबी महारे मेरे मेरे बच्चे मेरे मुन्ना ये ले आ, ये ले तेरा कैंडी इंगा इंगा बोलता है ना ये प्रिंसेस है ये और ये बड़ा हो गया ओके जब नाइन्टी फाइव का बन जाता ना तो यू नो बच्चे बड़े हो जाते हैं और बीवी के लिए भी मैं यहाँ से एक गिफ्ट लेके जाता हूँ वैसे बहुत अंदर हो रहा है इस गेम में मुझे ना कुछ लाइट्स बाय करनी पड़ेंगी ये ले बीवी ओके okay, देखो ये नाचने लगती है और सबसे पहले भी सो लेते हैं सो so, आज का बहुत प्यारा दिन था हमने एयरपोर्ट का जो हंगर रंगर जो भी है उसको बना दिया है सुबह होगी और अभी मैं सबसे पहले यहाँ से जाने वाला हूँ ऑयल रिक के पास बट यार उसके लिए ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर चाहिए वह मेरे पास है नहीं आ, तो हाय हनी आ, इसको अभी को एक सेकेंड काम करते हैं अपना बेबी बड़ा हो गया तो उसको मैं कुछ और कैंडीज़ दे देता हूँ ये नहीं मेरा बात वैसे प्रिंसेस है हमारी ये इंगा इंगा और बड़ी हो जाएगी जैसे बड़ी होगी 87 सेवन जैसे नाइन्टी फाइव प्लस हो जाता है ये बड़े हो जाएंगे और मैं सोच रहा हूँ एक और बच्चा करा जाए और मेरे माँ के लिए थोड़ी सी नहीं ये लैम्प्स है तो ये लैम्प यहाँ पर लग देता हूँ मैं आई थिंक मैंने लास्ट टाइम कुछ लैम्प्स बाय करे थे तो ये लैम्स को गाइस घर के अंदर लगा देता हूँ यार यहाँ पे ना बहुत अंधेरा होता है ये आई थिंक मैंने लास्ट एपिसोड में बाय करे थे पता नहीं एक यहाँ पे रहेगा डन एक रहेगा यहाँ पर ओके okay, तो मैंने लैम्प लगा दिए अभी घर के अंदर ज्यादा अंधेरा नहीं होगा और मैं बीवी को एक और गिफ्ट दे दू यार एक और गिफ्ट दे देती है ठीक है फिर एक और बीबी हो जाएगा अपना फिर मेरे को यू you नो know, बढ़िया हो जाएगा लेट्स गो यू बिकेम अ फादर एक और बच्चे हो गया पे ये तो <laughs> ये सीधा बच्चों को फेंक देती है पता नहीं ओ ये ये क्या अरे नहीं ये ओके आई थिंक यही है दूसरा बच्चा आई थिंक नीचे है गाइस गाइस गाइज वी गॉट वी ओके वी गॉट अनादर बेबी लेट्स गो तो एक काम करते हैं आ, उस बच्चे को मैं कैंडी खिला के आता हूँ भाई बहुत बढ़िया एक और बच्चा हो गया ये ले मेरा बच्चा मेरा मुन्ना ये ले तेरा इंगा इंगा रोजेस कैंडी दे दी इसका अपने सेवेंटी हो गया और अभी अपने पास फिर एक और वर्कर आ जाएगा नेक्स्ट अपिसोड में सो तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और अभी यहाँ पर वैसे वेल्थ थी ना आस कहीं पर मैं एक बार देख लेता हूँ हाँ यहीं पर है यहाँ पे यहाँ पर वैसे ये घर के पास में ही है बट uh, यार इसको uh, बहुत सारा पैसा चाहिए सीरियसली ट्वेंटी थाउजेंड वैसे मैं लोन ले सकता हूँ ना मैं एक बार देखता हूँ मैंने लोन लिया नहीं ये बहुत दिन हो गए जोना ना यहाँ पे लोन कहाँ से मिलता था लोन हाँ लोन गाइज मैंने ऑलरेडी ये लोन लिया हुआ है मैं भी पैंथर बैंक ओके ठीक है मैं लोन भी नहीं ले सकता तो ये वाली जो वेल है Uh, वो हम लोग बाद में अपग्रेड करेंगे अभी यहाँ से मैं निकल लेता हूँ अपने शॉप के लिए क्योंकि अभी मुझे जाके अपने दुकान पे काफ़ी सारी चीज़ें करनी है uh, जैसे कि मेरे को बहुत सारा नया सामान ऑर्डर करने का है एंड कुछ देखते और भी आई थिंक काफ़ी सारे नए अपग्रेड्स आए होंगे उनको भी चेक करने का तो ये हम लोग आ गए अपने शॉप पे और यार सीरियसली मेरे को एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि उन्होंने ना नई गाड़ियाँ ऐड करी है और फाइनली स्नो चला गया भाई ये स्नो वेव बहुत अजीब लग रही थी अभी देखा कितना हरा हरा बढ़िया लग रहा है और ये जो अपने ये फार्मर है ना ये बॉक्सेस को लेके कर क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा और यहाँ पे दो दो फार्म नहीं नहीं ये रायन ओके तो यहाँ पे जो अपना फार्मर बॉक्सेस लेके आता है ये रायन इधर से बॉक्सेस लेके वापस चला जाता है आई I मीन mean, ये लेमन से लेमोनेड बनाता है और ये अपना फिर रायन ले जाके उसको स्टॉक करवाता है भाई ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है मतलब हमको ना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है और एक बार ना मैं ऊपर जाके देखता हूँ यहाँ पे ले मतलब लाइट कितनी जनरेट हो रही है वो लाइट को तो अभी तक मैंने कलेक्ट ही नहीं करा है तो यहाँ पे अगर हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी कलेक्टेड आई थिंक ये ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाती है और इसको इसे मेरे को अपग्रेड भी करने का बट यार मैं इसको पैसे कितने लगेंगे अपग्रेड करने के लिए बारह सौ यार मेरे को अभी सारे पैसों से ना अपना ऑयल रिग अपग्रेड करने का जैसे मेरे पास बीस आ जाएंगे वैसे बट अभी मैं दैट्स वाई ना इन चीज़ों को वेस्ट नहीं करने वाला इन पैसों को तो अभी यहाँ से मैं आता हूँ यहाँ पे बॉक्स भाई कितना सारा सामान ऑर्डर करा है एक सेकेंड और ये ऑर्डर करा है ना तो आई थिंक मैं जो यहाँ पे खुद ही रखवाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए काम करते मैं रखवा दूँ और आई थिंक ये वहाँ पे बियर्स लेके जा रहे हैं ना हाँ यहाँ पे भी अपना एक शॉप है एराकेड आई थिंक ये भालू लखवाएगा यहाँ पे रखवा रहा है आ, नाइस भाई ये तो काफ़ी मेहनती बच्चा है यार मतलब हमारे भी ना यहाँ पर सब कुछ एकदम बढ़िया से चल रहा है वो देखो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे भी थोड़े से और भालू आएंगे काफ़ी सारे ऑर्डर करवाए थे हमने यहाँ पे पे आएंगे और ये भालू ख़त्म हो गए बहुत बढ़िया तो मैंने सारे वहाँ पर आर के मशीन में भालू रखवा दिए और ये जो कैंस वगैरह है ये भी मैं अभी एक काम करता होगा ना थोड़ी सी राइट की मदद कर दे क्योंकि अभी अपने शॉप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको मेरे को रखवाने का है मतलब सेल्स खाली पड़े तो वहाँ पर थोड़ा सा सामान रखवाते हैं और फिर बाद में जैसे पैसे आ जाएंगे हमारे पास हम लोग ऑयल बेचेंगे ठीक है ऑयल बेचेंगे यानी कि अपना ऑयल रिक को इन्वेस्ट बनाएंगे क्या बोल रहा हूँ मैं जो भी है तो सबसे पहले भी ये सारे बक्सेस यहाँ पे रखवा देते हैं ये पेंटिंग्स अरे ये पेंटिंग्स वापस आ गई मेरे पास कुछ कार ज्यादा है पेंटिंग्स है मैं कार्स के ऊपर भी पेंटिंग लगा पा रहा हूँ क्या अरे मेरीअस ये का... you... <laughs> yeah, कार के पहियों के ऊपर ही पेंटिंग्स लग... भाई बहुत बढ़िया एकदम चमक रही दूसरों की कार के ऊपर लगा सकता हूँ मैं दूसरों के कार के ऊपर वैसे लगाना भी क्यों एक है एक काम करते हैं अपने आर के हाँ यहाँ पे लगाते हैं थोड़ी सी जैसे कि यहाँ पे एक पेंटिंग्स रही देखो ना जब ये पेंटिंग्स होते हैं तो लोगों का हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाता है लोग आई थिंक ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे रहेंगे दैट्स वाई यहाँ पे ये यह लगा रहे थे कुछ पेंटिंग्स जस्ट लाइक दिस काफ़ी सारी पेंटिंग्स हमने ऑर्डर करी थी मतलब हमारे मैनेजर ने ऑर्डर करी है और जो मैनेजर है वो हमारा ही बेटा है आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में बट मतलब मैंने जब ये एपिसोड अपलोड करा था लास्ट एपिसोड तो आई थिंक इतने ठीक है फिर मैं कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं ओ मैं लगा सकता हूँ सो वाई नॉट यहाँ पे भी लगाते हैं भाई मतलब अपने पंप को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं ये यह यहाँ पे जाएगा ये यह जाएगा यहाँ पे नाइस 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 ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है एक आएगा यहाँ पे फिर एक आएगी यहाँ पे लेट्स को एक आएगी यहाँ पे नाइस एक इधर सारे पोल्स पे लगाते हैं और वाई थिंक मैंने अपने पंप को वैसे फुली अपग्रेड कर दिया तो इसको अपग्रेड करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं ये यहाँ पे आएगा ओके आखिरी पेंटिंग को भी की बस मैंने यहाँ पे लगवा दिया बट अभी वारियन को थोड़ा सा चेंज करने की क्या कि यार एक ही पेंटिंग अजीब लग रही है ना थोड़ा सा अलग अलग कलर होना चाहिए अभी बढ़िया लग रहा है और यहाँ पे वैसे सीसीटीवी सी कैमराज भी है और इस बार सीसीटीवी सी कैमराज घूम रहे हैं देखो कैसे वो घूम रहा है बहुत बढ़िया और टॉयलेट वगैरह भी एकदम क्लीन है सब कुछ चंगा सी अब कुछ बढ़िया चल रहा है हमको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सोलह हज़ार छः सौ निन्यानवे डॉलर मेरे पास वापस आ गए और अभी मैं इसकी बात कर रहा था मुझे अभी सेल्स को यहाँ पे फिल करने का है सो दैट्स वाई ई टू यूज़ इसके अंदर मैं सैंडविचेस रखवा रहता हूँ क्योंकि अपने पास देखो सामान तो काफ़ी सारा है मतलब शेल्स काफ़ी सारे इसके अंदर सामान नहीं है तो ये मैं यहाँ पे सबसे पहले सामान फिल कर देता हूँ और जैसे मेरे पास ट्वेंटी थाउजेंड हो जाएगी हम लोग जाएंगे और अपना ऑयल रिक लेके आएंगे ठीक है मतलब बनाएंगे उसको अपग्रेड करेंगे जो भी बोलते हैं और इस बार इन्होंने काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आई थिंक ऐड करी है मुझे उसको भी देखना पड़ेगा एक बार और आई थिंक पुलिस वाले अंकल आए थे फाउंड नथिंग इलीगल वो मोटा तो यार आजकल में मतलब दिखता ही नहीं है कहा आई थिंक वो चला गया

चोर बिल्कुल यहाँ पे चोर सिक्के कोई भी नहीं आते सोलह हज़ार सात सौ डॉलर आ गए मेरे पास यार थोड़े से और पैसे दे दो मेरे को ज़रूरत है पैसों की और फिर अभी ये जो बॉक्सेस पड़े ना यार ये ना मेरे को ही रखवाने पड़ रहे हैं ये गधे कहीं के कुछ काम नहीं कर रहा है और ये अपना चिंटू तो पता नहीं मेरे को ना उसको कमांड देना पड़ेगा कुछ करने के लिए एक सेकेंड अपना मैं टैबलेट अभी निकाल लेता हूँ और अभी देखते हैं सबसे पहले इन्होंने कौन सी कौन सी नई चीज़ें ऐड करी है और काफ़ी सारे लोग हॉर्न बजा रहे हैं पता नहीं क्यों इतना हॉर्न बज रहा है कौन सी चीज़ ऐड करी है एक बार देख लेता हूँ मैं मेरे को तो सारी वही सेम चीज़ें दिखाई दे रही है ओ ये गैरनोला बार ये आई थिंक नया आइटम आया है इसको आ, नहीं मैं ऑर्डर तो नहीं करने वाला क्योंकि मेरे को बीस हज़ार डॉलर्स चाहिए और कुछ नया ऑर्डर आया है ओ विसिल सीटिया वगैरह आई थिंक ये बच्चों के लिए है और ये फर न, ये क, ये क्रिसमस में आया था ये स्नोमैन वगैरह ओके ये कैनाविस प्लांट ये आई थिंक मुझे प्लांट करने चाहिए थोड़े से और बीस हज़ार डॉलर्स गेम फाइनली हो गए और वैसे नया कुछ इन्होंने ऑर्डर नहीं करा है तो ठीक है और अभी बीस हज़ार डॉलर होने की खुशी में हम लोग जाएंगे अपना जहमै लेके और अपना ऑयल रिक को बनवाते हैं ये अपना एयरपोर्ट आ एयरपोर्ट के पास में ही है वैसे कोई एयरपोर्ट पे कोई प्लेन वगैरह आया कि नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा यार ये प्लेन का क्या सीन है क्या ये रूट लग रहा है मुझे अभी तक वैसे कोई प्लेन वगैरह तो आया नहीं है मे बी इधर से प्लेन उतरेंगे और मेरे को मे भी भाड़ा भी मिलेगा इस चीज़ का पता नहीं बट अभी सबसे पहले निकल लेते अपने ऑयल रिग के पास कहाँ पे गया मेरा ऑयल रिग ये रहा एक बीस हज़ार एक सौ सत्ताईस डॉलर है मेरे पास यहाँ पे आते हैं गाड़ी को पार करते हैं और उतरते हैं और अपना हैमर निकाल के लेट्स गो गेमर्स ओ माँ गो लॉप और इसका नेक्स्ट अपडेट के लिए कितना ये नब्बे हज़ार है ये आर यू सीरियस बट मेरे को यहाँ पे करना का क्या है आई थिंक मैं इसको बेच सकता हूँ यहाँ से ऑयल जो ओके तो यहाँ पे धीरे धीरे गए ये ऑयल माइन हो रहा है ये जैसे जैसे माइन हो जाएगा इसको हम लोग यहाँ से आई थिंक बेच सकते हैं देखो पॉइंट सेवन परसेंट इसके अंदर ऑयल आ गया और मुझे पता नहीं ऑयल का रेट भाव क्या है मे बी जैसे यहाँ पे एक बैलर फुल हो जाएगा ना हम इसको यहाँ से भेज सकते हैं बट यार आई जस्ट लव दिस ये बैरल यहाँ पे आ गया ऑयल हम लोग माइन कर रहे हैं और अभी इधर से निकल लेते हैं मे बी कल तक ऑयल तो माइन हो जाएगा तीन हजार डॉलर मेरे पास वापस आ गए और बट यार मेरे को बस प्लेन का समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर प्लेन कब आएगा मेरे को देखने का प्लेन कैसे आता है और यहाँ पे क्या होता है अभी तक तो ऐसे तो कोई प्लेन वगैरह आया नहीं है मुझे लग रहा है मुझे इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करना पड़ेगा बट यार तीस हज़ार डॉलर चाहिए इसके लिए <laughs> बहुत ही सारा पैसा है ये तो मैं जल्दी कर नहीं सकता अभी के लिए बग... कैसे यार समझ नहीं आ रहा हाउ द हेल एरोप्लेन कैसे आएगा यहाँ पर पूरे मैप के अंदर और कितनी ऑयल रिग्स है मेरे को एक बार ये भी चेक करने का था ओ एक यहाँ पे भी है भाई तीन ओके तीन ऑयल रिग्स है टोटल देखा एक इधर है एक इधर है और एक इधर है अपने घर के पास तो टोटल गाइज यहाँ पे तीन ऑयल रिग्स है और अगर मैंने तीनों को वो भाई चार है एक इधर भी है भाई चार चार ऑयल रिग्स है और इनमें से मैंने एक तो बाय कर ली है इधर वाली ना हाँ इधर वाली हमने बाय कर ली है तो कुछ ही दिनों में ना हम जब सारी बाय करेंगे तो यार और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात है तो मैं वापस अपने शॉप पे आ गया सबसे पहले यहाँ पे मैं सामान ठीक से रखवाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा मैं गाड़ी को पार्क कर देता हूँ फ्यूल इसके अंदर थोड़ा सा आई थिंक नहीं भाई टंकी फुल भरी पड़ी इसको फ्यूल की कोई भी कमी नहीं है एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ अरे यार ये अंकल जी कुछ ज़्यादा ही स्लो काम करते हैं क्या यहाँ पे मैं बॉक्सेस रखवा देता हूँ लेमोनेट बनाने के लिए मतलब वैसे ही अंकल जी देखो मैंने तो काफ़ी अच्छी खासी करते हैं क्योंकि उन्हें लेमन से लेमोनेट बनाने का फिर ये उसका बक्सा बना के उसको भी बेच देते हैं और ये कैनाबेल प्लांट, ये प्लांट से क्या होता है मेरे को समझ नहीं आ रहा ये वाला प्लांट अभी देखा इसकी ग्रोथ फिफ्टी फिफ्टी फाइव परसेंट इसकी नाइन्टी फोर हो गई है ये कुछ ही देर में आई थिंक बड़ा हो जाएगा और ये वाले भी प्लांट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आई थिंक इसको पानी की जरूरत है तो एक काम करते हैं इनको ना थोड़ा सा पानी में और दे देता हूँ ग्रोथ रेट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा जस्ट लाइक दिस आई थिंक ये लास्ट टाइम अंकल जी ने ये प्लांट करा था यहाँ पे बट यार मेरे को ये वाला एनिमेशन सीरियसली बहुत बढ़िया लगा देखा ना ये ना येगा जैसे मैं पानी मार रहा हूँ ऐसा बोल रहा है बलम पिचकारी तूने मुझे मारी एक ना लोगों के ऊपर मार के देखता हूँ पानी नहीं ये कुछ नहीं कर रहा कान बी डन हयर ओके ओके यहाँ पे वैसे गाड़ियाँ क्लीन करने के लिए आती है देखो ये ये भी करेगा बलम पिचकारी तूने मुझे मारी और यहाँ पे वैसे लोगों के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ भाई लोग भी कर रहे हैं गोइंग टू सिट पायलट ओह गाइज मैं एक पायलट को हायर कर सकता हूँ मैंने हायर कर लिया यू हैव मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ आर यू सीरियस गाइज 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 ओके मैं अभी समझा ये मुझे पायलट लाना पड़ेगा तभी जाके वो वहाँ पे हैंगर पे काम करेगा ओह वेट 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 समझ गया मैं बट मैं यार हायर मैं किसको भी फायर करूँ मेरे पास एक और मतलब मैक्सिमम एक्टिव वर्कर काउंट बारह है मैक्सिमम दस है तो यार मुझे ना एक और अपने बच्चे को वैसे आज एक बच्चा बड़ा हो ही जाएगा ना मैं उसको पायलट बनाऊँगा सीधा अपनी बेटी को तो भाई काम करता है यहाँ से मैं निकल लेता हूँ घर पर Uh, हाँ घर पे जाता है देखो अभी एक वर्कर को देखो हायर कर नहीं सकता मुझे अपने बच्चे बड़े बनाने पड़ेंगे मुझे लग रहा है जो अपनी बेटी है ना वो बड़ी हो जाएगी फिर हम उसको पायलट बनाएंगे बट उसके लिए एक लड़का चाहिए वो जो भी ये देखा जाएगा मैं अपने घर पे वापस आ गया यही आइडिया गाइज काफ़ी मुझे को बेटर लग रही है तो मैं उस पायलट को हायर करूँगा एक सेकेंड एक सेकेंड मेरे को ना अपने घर पर एक सेकेंड थोड़ा सा ना टाइम भी मेरे पास तो मैं बाज़ार में जाके थोड़े से और गिफ्ट्स लेके आता हूँ ताकि ये गिफ्ट्स हम लोग दे के अपने बेटी को बड़ा कर सके तो या बाज़ार में इस बार में काफ़ी सारी चीज़ें बाय करने वाला हूँ गिफ्ट्स अपने बीवी के लिए और एक दूसरा बच्चा भी है वो भी खुशी दिनों में बड़ा हो जाएगा ठीक है हम लोग आके प्लीज़ खुला होके खुलाए 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 कैंडीज दे दो मेरे को दुनिया भर की कैंडीज दे दो चालीस रुपये की एक कैंडी है एक साथ में आई थिंक इतने ही बाय कर सकता हूँ जितने बाय कर सको तो उतने बाई ओके okay, इतनी बाय कर सकते हैं और ये मैडम जी से थोड़े से फ्लावर्स भी खरीद लेते हैं ओके इतने ही है और अभी इसको मेरे को घर पर सेंड करने का एफ़ टू सेंड एफ़ टू सेंड एफ टू सेंड एफ टू सेंड एफ टू सेंड एफ टू सांड ओके सेंड कर दिया मैंने इसको भी सेंड कर देता हूँ मैं घर पर आ, तो गाई मैंने गिफ्ट वगैरह बाय कर लिए और अंधेरा अभी आई थिंक हो ही जाएगा अभी तो यहाँ से निकले थे घर पे घर पे जाके मैं सीधा अपने ये गिफ्ट्स अपने बच्चों को दूंगा बच्चे बड़े होंगे तो भाई पायलट बनेंगे मेरे को वैसे लगा ही था जब मैंने वो हैंगर बनाया था कि भाई पायलट तो मेरे को चाहिए होगा और देखा मैं जैसे घर पर आ गया अंधेरा हो चुका है तो अभी चलते हैं और अपने बेटों को थोड़ा सा गिफ्ट देते हैं और लास्ट टाइम देखा मैंने लाइट लगाई तो भी कितना बढ़िया लग रहा है या ये वाला बच्चा आ जाए मेरे बच्चे चाहिए अरे मुझे आई थिंक सोना पड़ेगा मुझे काम थे कहते सो लेते सबसे सब पहले ठीक है आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था हमने एक ऑयल रिक को भी बाय करा जिसका जो भी है और वहाँ पे आई थिंक अभी अपना ऑयल भी जनरेट हो रहा है तो मेरे को वो ऑयल भी बेचने का मेरे को देखना है एक ऑयल बैलर कितना में जाता है गुड मॉर्निंग ये मैं सुबह हो गई है इधर से अपना गिफ्ट लो ये रहा मेरा बच्चा ये ले बच्चा इंगा इंगा इसका हैपीनेस एडिसवन हो गया दूसरे बच्चे का आई थिंक हो जाएगा दूसरा बच्चा आई थिंक ऊपर है ना ताकि ये रही ये ले बड़ा हो जा प्लीज हाँ, लेट्स गो गेमर्स बच्चा बड़ा हो गया इसको हम पायलॉटी बुलाएंगे पायलॉट अरे बड़ा हो जा ए भाई ये बड़ा तो हो गया बट काम क्यों नहीं कर रहा है आई थिंक एक और दिन लगेगा क्या यार लास्ट टाइम तो भाई नाम देने के बाद बच्चा सीधा काम पे चला जाता था ये पायलट तो गाए अपना बड़ा हो गया पता नहीं ये काम पे कब जाएगा अभी ना यहाँ से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अपने टैबलेट में जाके कि क्या मैं इस पायलट का कुछ कर सकता हूँ मेरे बच्चों का यार लास्ट टाइम तो यार ये सीधा हो मतलब सीधा हो जाता था यू नो एक बार अपग्रेड करो अपना काम हो जाता था बट इस बार ऐसा नहीं है पता नहीं यार इसका क्या सीन है मेरे को प्लीज कमेंट्स में बताओ ये बच्चे का क्या सीन है मैं इसको बड़ा कैसे करेगा क्योंकि मेरे को एक पायलट को हायर करने का है अभी मैं इसको हायर कर ही नहीं पा रहा मुझे इनमें से किसी को फायर करना पड़ेगा मैं बिल्डर को फायर करने की सोच रहा हूँ बट नहीं यार मेरे को सीधा इस बच्चे को मे भी कल बड़ा हो जाएगा ठीक है तो अभी काम करते भाई यहाँ से मैं वापस निकल लेता हूँ अपने घर पे घर पे नहीं मुझे अपने वेल पे जाना है जहाँ पे अपना ऑयल बन रहा है मे भी अब तक तो ऑयल तो माइन हो चुका होगा तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ अपने स्टेशन पर और वहाँ से हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे वैसे ना एक और ऑप्शन अभी होना चाहिए वहाँ पर सीधा बस जाने बस जाने का भी ऑप्शन होना चाहिए ऑयल रिक के पास फिर ना उससे ज़रा ईजी हो जाएगा और इधर भी वैसे गाड़ियाँ यार भाई ये गाड़ियाँ वही ये लोग यहाँ पे क्यों पार्क कर रहे हैं वो भाई अभी ये लोग अलग अलग जगह पे अपनी कार्स पार्क कर रहे हैं ये पहले नहीं होता था वैसे दैट्स दैट्स ऑल राइट कहीं पर भी पार्क और मेरा कुछ सीन नहीं है और अभी देखा यहाँ पे गाड़ियाँ क्लीन करने के लिए वगैरह भी आ रही है भाई मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है ये गेम सीरियसली और अभी हम अपनी ओके okay, मेरी गाड़ी इधर है यार इसमें ना इस सब टू व्हीलर वग़ैरह भी होना चाहिए था बाइक वगैरह बाइक होती तो भाई और भी मज़ा आ जाता बट ये रे अपनी जांबरगिन इसको लेके चलते हैं अपने ऑयल रेक के पास कुछ ना कुछ तो वहाँ पर आया ही छोगा मतलब बना होगा यहाँ से ओके यही ये, ये से सीधा जाने का था और यहाँ इधर से राइट लेने का है कहाँ पे क्या हाँ ये रहा ओके एयरपोर्ट के पास में ही है बट अनफॉर्चुनेटली अभी अपने पास पायलट नहीं है पायलट नहीं है नहीं तो यहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं आएगा बट ऑयल तो बन गया होगा ना लेट मी सी कहाँ पे क्या ऑयल हाँ ये रहा ओके ओके उधर माइन हो रहा है भाई दस हज़ार डॉलर मेरे पास वापस आ गए दैट्स सो तो गुड मुझे लग रहा है टैंक फिल हो गया होगा प्लीज़ बोल दो अरे नहीं यार ओनली अठारह परसेंट फिर यार एक बैरल का प्राइस कितना होगा आई थिंक मैंने इसको अगर और अपग्रेड करा ना तो मैं भी फिर और बढ़िया ऑयल यहाँ पे माइन होगा भाई नब्बे हजार भाई नब्बे हज़ार बहुत होते हैं अरे भाई ठीक है तो आईज ये पूरा बैरल यहाँ पे फिल होने में मुझे लग रहा है दो या तीन दिन तो लग ही जाएंगे जो कि भाई इसको फिल होने में बहुत टाइम लग रहा है ठीक है यार मुझे लगा ये इजीली अपग्रेड हो जाएगा हम तो भी यहाँ से मैं वापस अपने शॉप के लिए निकल लेता हूँ अपने दुकान के लिए दुकान में जाके थोड़ा सा भी और अपग्रेडेशन करते हैं और भाई सीरियसली इस गेम के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है ना आपको मतलब ढूंढना पड़ता है सर्च करना पड़ता है क्या क्या अपग्रेड्स आए तो मेरे को ना ठीक से रेड करना पड़ेगा और कौन से कौन से अपग्रेड्स आए और ये जो देखो पायलट वाला जो सीन है ना वो हम लोग ना नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे क्योंकि अभी देखो अपने पास एक वर्कर नहीं है वर्कर यानी कि अपना एक पायलट होना चाहिए पायलट पायलट बोल रहा हूँ मैम सॉरी और अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ सामने की तरफ जो कि अपनी जहां है इसको मैंने पार्क कर दिया और यहाँ पे सामान वगैरह कैसा चल रहा है यार तुम यहाँ पे तू करता क्या है यार मेरे को सीरियसली चिंटू को कुछ समझ नहीं आ रहा है ओनली ना यहाँ ऐसे देखता रहता है ये अपग्रेड वगैरह भी कुछ करता है कि नहीं पता नहीं आई थिंक मैंने उसको बोला है ना कुछ काम करने के लिए मैं आई थिंक यहाँ पे उसको मैनेज कर सकता हूँ तो यहाँ पे आते हैं माई वर्कर्स में या शो माई वर्कर्स अपना ये आएगा चिंटू डिटेल्स बिल्डर कैन अपग्रेड ओके मैं इसको अपग्रेड करने का भी बोल सकता हूँ बट यार अगर मैंने इसको अपग्रेड करने को बोला ना तो यार मेरे बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि विदाउट मेरे मेरे को बताए ये यहाँ पे अपग्रेड करें और अपना जो मैनेजर है ना मैं उसको ये कंसल्ट देता हूँ कि वो लोगों को ना uh, मतलब बोनस वगैरह दे सकें तो अभी अपना ये रहा मैनेजर ये काफ़ी सारी चीज़ों के यहाँ पर ऑर्डर कर सकता है इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स होती है तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकता है बट मेरे को और भी कुछ करना है ये लोगों को Uh, क्या क्या कर सकता है यहाँ पे सारे मैंने टिक तो कर दिए कैन सेल ऑइल ओके तो गायज ये ऑयल को भी सेल करेगा जो वहाँ पे नहीं तो ऑयल को सेल नहीं करेगा मैं जाके सेल करूँगा मेरे को देखना है कैन गिव ब्राइब ये लोगों को पुलिस वालों को ब्राइब भी दे सकता है और ये बैटरी को भी कलेक्टर ओके okay, तो अपना मैनेजर इधर ना सारी चीज़ें मैनेज करता है तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैक्सिमम वर्कर लिमिट इंक्रीज बाय वाओ यहाँ से गाइज मैं अपना एम्प्लॉय लिमिट बढ़ा सकता हूँ भाई ये कब आया ओके okay, मुझे इसको करना चाहिए ओके okay, एक हज़ार लगेंगे तो अभी मैं मोर एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकता हूँ आई थिंक ओके मैक्सिमम वर्कर लिमिट इंक्रीज़ बाय वन पर लेवल ओके मोर सेल्फ शेल्फ विजिट्स कस्टमर विजिट वन एक्स्ट्रा सेल्फ पर लेवल ओ ये 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 भी कर देते भाई लोगों को एक्स्ट्रा सेल्फ विजिट करने चाहिए मैंने दो लेवल कर दिया एंड हैज़ टी कस्टमर्स कस्टमर्स मूव पॉइंट थ्री फाइव परसेंट पर लेवल तो इसको भी अपग्रेड कर देते हैं ठीक है मैंने दो दो लेवल्स बढ़ा दिए और फिर फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ये आई थिंक नए अपग्रेड्स आए और बाकी के दौरान तो मैंने सभी कंप्लीट कर दिया तो एक काम करते हैं अभी आई थिंक मैं वर्कर को एक्स्ट्रा वर्कर को हायर अभी कर सकता हूँ मैं तो आई थिंक अभी मैं मैने मतलब पायलट को हायर कर सकता हूँ लेट मी सी हम हायर कर सकते हैं बट गाइज ये चीज ना हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे ठीक है नेक्स्ट एपिसोड में आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस गेम नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पायलट को हायर करेंगे अभी मैं हायर कर सकता हूँ बट इसको ना हम सस्पेंस के लिए नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे देखते हैं इसको क्या खोता है सीन इसको अपग्रेड करने से और सो दैट्स इट फॉर एपिसोड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए गुड बाय